انتہائی قابل صد اعتراف معزز مکرم سامعین ذی وقار، دینی نسبت نال تہاڈے اس مرکز وچ حاضری دی سعادت حاصل ہو رہی، میرے بھائی مولانا شعیب اللہ صاحب، اور اسی طرح بھائی سعید صاحب، دیگر مخلصین احباب دی محنت کاوش اللہ قبول فرمائے، اور اس اج دی پروگرام نو اللہ تواڈی میری نجات دا سبب بنا دے۔ بہت ساری فرمائشاں کٹیاں مختلف ساتھیاں نے کیتیاں، لیکن چونکہ ٹائم اتنا نہیں کہ ساریاں ہی پوریاں کیتیاں جان، زیادہ تر یہ حکم سننے چ ملیا ہے کہ سانو اہل بیت دی شان سنائی جائے۔
लाजमी गल अहले बैत का जिक्र हो रहा है तो जिन्हें वह अहले बैत हैं उन्हों का जिक्र ही हो रहा है। एक हकीकत है कि मेरा नबी आप भी बेमिसाल है, उदा घराना भी बेमिसाल है। आका दे जिस तरह जिस्म नू अल्लाह ने आला और पाकीजा बनाया है, उसी तरह मेरे नबी दे बिस्तर नू भी अल्लाह पाकीजा बनाया। मेरे नबी दे जिस्मे अतर दे उते अल्लाह नापाक मक्खी बर्दाश्त नहीं करेगा। जेड़ा अल्लाह उस अजीम नबी दे जिस्मे अतर ते नापाक मक्खी बर्दाश्त नहीं करेगा, ओ अल्लाह पैगंबर दे बिस्तर ते नापाक बीवियां किवें बर्दाश्त करेगा। कुराने मुकद्दस नू अगर गौर नाल पढ़िया जाए, जितने उर्दू तर्जमा पढ़ सकते हैं सवेरे कल को टाइम कढ़ के 22 सिपारे का पहला सफा जरा तर्जमे नाल वेखना है। जिस आलिम का जनाब का ज़हन मुतमैन होवे उहदा तर्जमा वेखना है। अल्लाह साईं फरमांदा है कैनात च मैं जितनिया पाकीजा बीबियां बनाईया ना, मेरा सोना नबी जिहड़ियां बीबियां मैं तैं दित्तियां इन्हां दे नाल दियां पाक मैं बनाईया को। नबी दे अहले बैत दा पहला फर्द नबी दियां बीबियां और पैगंबर दी दुआ दे विच जो कुछ आया है साडा उस ते भी ईमान है। आका ने जिन्हां नूं चादर तले बिठा के दुआ की थी वह भी साडे इमाम और पीर और साडी जान है। लेकिन इतनी गल कम अज कम सुन्नी सदावन वाले दे दिल दिमाग तो होनी चाहिए कि पैगंबर दे अहले बैत दे विच पैगंबर दिया बेटियां भी हैं, पैगंबर दे नवासे भी हैं और पहले नंबर ते पैगंबर दा बिस्तर सजावन वालिया मोमना दिया मावां हैं। ये दीन जड़ा साढ़े को आया ये दो तरीके नाल आया। बहरला दीन जड़ा आई वो आका दी जमात ने उम्मत तक पहुंचाया, जड़ा घर आला दीन आई वो नबी दी अजवाज मोमना दियां बावा ने उम्मत तक पहुंचाया, जेड़ा सिर्फ साहबा साहबा करता है ते अहले बैत दी वेरी मत्थे ते वट पवे उहदे कोल भी अद्धा दीन है। तो जेड़ा सिर्फ अहले बैत दे दावे करे ते जमात नबी नूं छोड़ देवे उहदे कोल भी अद्धा दीन है। पूरा दीन उसे कोल है जेड़ा घर वालिया दी भी मन्ने ते दर वालिया दी भी मन्ने। ओ इन्हां दा एतराम भी करे कि आका दिया बीवियां मोमन दिया मावां और एक अम्मी ओ ए चौधरी सलीम साहब जिहदे बारे सन रिश्तेदार साहब ए तुहाडी अम्मी जी है, अम्मी खतीजा अम्मी ऐशा उम्मे हबीबा नबी दिया बीवियां ए ओ मोमन दिया मावां जिन्हां दे बारे अरश वाले दसिया है ए मोमन दिया मावां हैं। बाकी एक हकीकत है कि मेरे नबी का सब तो पहले साथ देवण वाली सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह ने चुन चुन के मेरे नबी को बीबियां भी दित्तियां और बेटियां भी दित्तियां और घराना भी दिता है और जमात भी दित्ती और किताब भी दित्ती। मेरा नबी सिर्फ नबी बन के नहीं आया बल्कि वह तो नबियां दा भी इमाम बन के तशरीफ लाया है।
इस वजह तो अल्लाह ने फरमाया या निसा नबी लस्तुन्नका अहद मिनन निसा लेकिन एक गल पहले बुनियाद थी कि तुम समझा लीए तो ठीक है जिस वक्त तक तुम बोलते रहसो मैं सुने रस जिस टाइम तुम थक जासो तो पुड़ दुआ चकर सा ये हम थोड़े तिमुना सेरे ये पिछे बैर आले अंदर आले सारे बहु उची भी नहीं तो बहु जिकी नहीं इतनी कोवे जड़ी अपने आप को सुनी वे एक मिल के आखो जा सुभान अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं ऐ मेरे नबी दिया बीवियां तुहाडे नाल दिया बीवियां अल्लाह ते अरफा मैं बढ़ाइया कोई नहीं ए किसी मौलाना दी या मुफ्ती जी दी गल नहीं अल्लाह दा कुरान फरमांदा या निसा नबी लस्तुन्नका अहद मिनल निसा ए सूरतुल अहज़ाब 22वां पारा आयत करीमा दा नंबर 32 ने अल्लाह फरमांदा है ओ मेरे नबी दा बिस्तर सजावण वालियों तुहाडे नाल दी आला ते अरफा आयावां वालियां ता ईमान वालियां बीबियां मैं बणाईयां कोई नहीं जिवे मेरा नबी सारी कैनात दा सरदार इंजे नबी दा बिस्तर सजावण वाली बीबियां भी ईमान वालियां बीबियां दी सरदार मैं बनाईयां ए पहले नंबर ते जड़ी इज्जत मिली ए सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी किस्मत दा सितारा चमकया इको जरा कमरा वे सैयदा एक ताजर मिजाज रखदियां बड़िया हयावां वालियां बड़ी नेक सालियां उन्ना चर्चे सुने मेरे नबी दे उन्ना ने खादिम नौकर नाल गलिया तिजारत वास्ते ते नौकर नूं आखिया रास्ते विच नोट करेंदा जावीं जिहड़ियां वखरियां अनहोनियां गल्लां होवन ते मैनूं आ के दसी और नौकर ते खादिम वापसी ते आ के दसेंदा है सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नूं ऐ सैयदा मैं नोट कीता है कि गर्मी दी शिद्दत दे अंदर आमना दे लाल दे उत्ते सफेद बदल साया करेंदे रह जांदे आं काफले दे सैड ते चलदे वधे आउंदे आं नजरां झुका के चलदे वधे आउंदे आं गर्मी दी शिद्दत दे अंदर बदलियां साया करेंदियां रह जांदियां असल चो बदलियां नां सफेद बदलां दे अंदर फरिश्ते आ के मेरे नबी दे उते परां दे पर मिला के साहिबान बन के वधे आउंदे आं वद खादिमा दे सईदा ए भी गल बड़ी अजीब है कि जिस राह तो गुजरदे आं खुशबुआं आदियां रह जांदियां वत तिजारत कीती ता तिजारत दे विच भी अल्लाह करीम ने बेहद मुनाफा दिता है ते सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मक्के दे बड़े बड़े लोगां दी ख्वाहिश आई कि सानू रिश्ता मिल जाए ते सैयदा निकाह कर लेवन पर जदों अदावां मेरे नबी दियां सुनियां सैयदा ने ते सैयदा ने फरमाया मैं ते शादी करे सां ते आमना दे लाल देना
मैं तो निकाह करे सां आमना दे लाल दे नाल, मैं तो शादी करे सां अयामा वाले सरदार दे नाल, मैं तो शादी करे सां आला अखलाक वाले इमामे कैनात दे नाल, अल्लाह दी कुदरत कुर्बान जावा जदो शादी होई है, नबूवत तो पहले ही शादी हो जाती है, लेकिन अल्लाह दे कुदरत इंजार बनी है कि अज भी शादियां आउंदियां, अज दुल्हाना फरमैश करें दियां के तोहफा लै आयो, कोई दुल्हा दे अंगूठी लै आया, अज दे दौर चा दे मोबाइल लै आया, फला शै लै आया, फला लै आया, लेकिन सैयद दी शान तो कुर्बान जावा। अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहली मुलाकात कोई फरमाइश नहीं करें दिया, बल्कि आदियां आमना दलाल अज तो बाद जिहड़ा मेरा माल आई ए मेरा नहीं ए सारा आमना दलाल दा, ए मेरा नहीं बल्कि सारा आमना दे लाल दे, जिथे दिल करे दने खर्च करो, अता कि अल्लाह करीम ने बाद दे अंदर इस एहसान नू याद दहानी दे तौर ते मेरे नबी नू दसिया, वा वा जद इलन फगना सोना नबी असी दिल दा गनी ता तेनू बनाया, असी गनिया दा सिरदार ते तेनू बनाया, जहरी इतबार नाल जिहड़ी किल्लत नजर पई आंदी आई, असी खदीजतुल कुबरा वफावां वाली दुल्हन दे के तेनू गनिया दा भी सिरदार बना। ठीक है, सिद्दीक अकबर ने भी माल सारा वंड दिता, सुई तक भी बचा के नहीं रखी। ठीक है, उस्मान जिन्नू रैन ने भी माल सारा वंड दिता है, तेरे कदमा तो कुर्बान किया है, लेकिन पहले नंबर ते अगर ये शरफ हासिल किया है ते नंबर ले गई ते खदीजतुल कुबरा ले। मेरे नबी ते सब तो पहले माल खर्च करन वाली सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, मेरे पैगंबर नूं औखे वेले विच तसलियां देवन वाली खदीजतुल कुबरा है, मेरे पैगंबर नूं गमां दे विच दिलासे देवन वाली खदीजतुल कुबरा है। इस कैनात विच जितनी भी अज सच्ची आले रसूल है उन्हां सारिया दी नानी जान खदीजतुल कुबरा है, उन्हां सारिया दी नानी जान खदीजतुल कुबरा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। एक जुमला सुनावना चाहता, जे हुण भी तेरी थकावट न लवे ते पत्नी कदों लवणी, हाँ ठरे तो जरा गज के सुबहान अल्लाह चाखी जो मेरा भी दिल खुश हो जाए। ठीक है, अम्मी ऐशा दा बड़ा शान है, उहदे बिस्तर ते मौलाना आसिफ कुरान आंदा है, उहदी तत्हीर विच सूरत नूर दम मकाम आंदा है, अरशा तो उदी तस्वीर आंदी है, मेरे नबी दियां बीवियां विचों बीबी ऐशा सिद्दीका एक कवारी है, वाहिदे जिहड़ी कवारी है, पर रहमानिया दे अम्मी खदीजा दी शान भी कम नहीं, उसनों मुस्तफा कवारा मिले। अम्मी खदीजा दी शान ही मामूली नहीं है, उसनों आमना दा लाल कवारा मिले। अल्लाह ने मेरे नबी नूं पहले नंबर ते जिहड़ी रफीका हयात दित्ती ने बड़ियां शाना वाली ते बड़ी मकाम वाली, जितनियां भी नबी दियां बीवियां ते ईमान वालियां दियां मावां उन्हां दे बारे अल्लाह फरमांदा है इन्नमा युज़हिबा अन्कुमुर रिज़्ज़ा अहलल बैत।
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا خیال کریا اے کائنات والےو ایک آندے آندے استاد جی تواڈے واسطے رومال آندے عمر شریف تے کیا وداس تا اوتھوں آندے تے وت زم زم نال دھو کے مزید آندے ایک آندے رومال اونج تے ٹھیک آئی لیکن تھوڑا جیا شہر تے نجاست لگی تے میں اچھی طرح صابن نال تین دفعہ دھو کے لے آیا پاک کر کے لے آیا پاک اے وی ہو گیا جس دن نجاست لگی آئی وت دھوتا گیا ہے تا پاک ہو گیا ہے اللہ فرمیندا ہے او میرا سجنا او قرآن سناون والا نبی او ختم نبوت سرا پا کے آون لیا جیڑیاں میں تیریاں بیبیاں بنائیاں انہاں میں جم دے لا دا پاک بنائے انہاں نو میں ابتدا تو پاک بنایا ہے انہاں دے نیڑے میں گندگی آون نہیں دتی انہاں دے نیڑے میں نجاست آون نہیں دتی انہاں دے نیڑے کوئی بے حیائی میں آون نہیں دتی میرا نبی جویں میں تینوں پاک بنایا ہے انجے میں تیری ازواج تے تیریاں بیٹیاں نو وی پاک بنایا ہے اللہ فرماندا ہے اطیبات للطیبین و طیبون للطیبات پاکیزہ مردہ واسطے پاکیزہ عورتاں پاکیزہ عورتاں واسطے پاکیزہ مرد او کائنات والےوں جو گل سمجھ نہ آندی پئی ہونے اے مسئلہ آسانی نال تہانوں سمجھاونا چاہندا جویں میرا نبی اندروں باہروں پاک انجے او دا بستر سجاون والیاں بیبیاں بھی اندروں باہروں پاک اللہ اکبر سبحان اللہ سونی نے اہل بیت دی شان کے کوئی نہیں ہے کہ یکدم کربلا تے جائیے تے بادشاہ پڑھ کے گھر ہوگا ہے کوئی ہاں نہ کریں تے اسو تے میں سنے سن ایک وی سارے مل کے کو سبحان اللہ اللہ اکبر ہادی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اے جڑی رفیقہ حیات ای سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے وچوں اللہ نے چار بیٹیاں دتیاں لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی بیٹی جڑی زینب آن حضرت ابو العاص دے گھر وچان دوسریاں دو بیٹیاں حضرت رقیہ تے ام کلثوم یکے بعد دیگر حضرت عثمان دے نکاح وچ آئیاں جڑی تیسری شہزادی آئی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا او تیرے میرے پیر حیدر کرار دے نکاح وچ ہجرت والے سفر دے اندر میرے نبی نے بستر تے اگر سوایا تا قرآن پڑھن والے حیدر کرار نو سوایا اس رات بستر نبی تے سمنا بھی آسان کوئی نہیں کافران دیاں نظران بستر تے بستر والے تے لگیوں یال میرے نبی نے فرمایا اے علی ابن ابی طالب آ جا میرے بستر تے سمون اے میری چادر لے لے اتے کر لے تے آرام کر اے مکے والیاں دیاں امانتن دے کے تمہیں تشریف لے آویں کدے جاونا سنیا جانے مینوں مدینہ آلیہ دا حکم آ گیا ہے تے میں ادائی وجنا چاہتا میں عرض کرنا چاہتا میرے نبی دا بستر اتھے عام بندہ سم نہیں سکدا بہ نہیں سکدا میرے نبی نے آج بستر بھی دیتا میرے نبی نے آج چادر بھی دیتی اے اشارہ ہے حیدر آج بستر دیندا پیاں کل بستر بچھاون واسطے اپنے دل دا ٹکڑا فاطمہ تو زہرا بھی دے اس رات
रात मेरे नबी दे बिस्तर ते सबड़ा आसान कम कोई नाई, जेड़ा बिस्तर ते सुत्ता पिया है ओ भी बढ़िया शाना वाला, तजीदी झोली विच आमना दलाल सिर रख के सुत्ता पिया है ओ सिद्दीक भी बढ़िया शाना वाला। हक ते बोले करो अल्लाह राजी हो रहे, एक बार सारे मिलकर को सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। अल्लाह साडे भाई की उम्र च बरकत ता फरमाए, मजीद इस जज्बे नु कायम रख। अल्लाह राणा जी को स्पीकर चाहता चला हुआ, अल्लाह तुम मदीने ले जाए। अच्छा जी, ये लोग ना लोटे बने वारी ना टपा पो। अच्छा जी, सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शहजादियां दी बड़ी शान, जरा सुन तवज्जो नाल, ए जिहड़ियां रिश्तेदारियां होईयां बड़ियां आलानी वत, जदों सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा दी शादी हुई, मैनूं हुक्म कीता भाई सफदरी ते मेरे दीगर भाइयां ने भी जरा जरूर सन शादी वाली गल सुनाया है। अल्लाह अकबर, जदों मदीने शरीफ च मेरा नबी हिजरत कर और मेरे नबी ने एक मुहाजिर ता एक अंसारी नू खड़ा करके फरमाया, ए भाई भाई हो गए, ए अंसारी ते मुहाजिर भाई भाई हो गए, वो बड़िया शाना वाले आनी, उन्ना अंसार दियाँ अगर दो दुकाना हान ता एक मुहाजिर नू दे दिती ता एक अपने को रख लई। हजरत अली कल्ले बच गए, मेरे नबी नू आदन सुनिया, मैनू तो किसी का भाई ते वीर ने बनाया, मेरे नबी फरमाया अंता खी फे दुनिया वल आखरा। ओ अली घबरावें कोई ना, तू मेरा दुनिया ते भी वीर है ते आखरत च भी वीर है, घबरा नहीं, तेरा मेरा वखरा तालुक अल्लाह साईं ने बनाया। मदीना आलिया दे अंदर जदों सोहना हिजरत करके तशरीफ लै गया, बड़े बड़े सहबे माल ते बड़े बड़े सहबे ईमान लोगों की ख्वाहिश आई कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दा रिश्ता सन मिल जाए। लोगों ने अपनी ख्वाहिश का इजहार भी किया, लेकिन मेरा पाक पैगंबर खामोश हो जाते हैं, आद्यान हाले तक अरश वाला इजाजत नहीं पिया देंदा, मैं रिश्ते दी हां नहीं करेंदा। एक दिन सुनिया दे इमाम ने ते मुहम्मद रसूल अल्लाह दे मुसल्ले ते मिंबर दे वारिस ने उस खलीफा बिला फसल अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अनो ने और खलीफा सानी लासानी सैयदना उमर इब्ने खताब ने मेरे पीर हैदर करार नो मशवरा दिता है, ए अली तुसी भी जरा गल ता करो, आ रिश्ते वास्ते पैगाम ता भिजवाओ। आ हजरत अली मुस्करा पै ते आखन लगे, जिस वक्त रिश्तेदारियां कीतियां जांदियां उस वक्त ओ बंदे गली दिल जिन्ना ते ज्यादा एतमाद होंदा, ते मेरे एतमाद अले तुहाडे तो वड्डा ता हो रहे कोई नहीं, मैं आदा खलोता वंजो दोनों जरनैल लगे वंजो ते सोने कोलो मेरे वास्ते सैयदा दा रिश्ता मंगो।
अल्लाह अकबर और नौजवानों तारीखी कहानियां पढ़ के आका दे घराने ते उंगली ना उठावी तारीखी वर के पढ़ के मेरे नबी दे सहाबा दे उंगलियां ना उठावी मैनू तेरा नहीं पता जिस पीर दा मैं मुरीद हां बिहमदिल्ला उसनू दुनिया सैयद नैतुल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह दे नां दे नाल जान मेरा मुर्शिद ऐसा अल्लाह वाला आई के अरब दे उलमा भी उसका इस्तकबाल करें दे उन्दे आन मुर्शिद फरमें दे उन्दे आन मखियां दो तरह दिया हो दिया एक गंदगी ते बांदी एक फुल ते बांदी जड़ी फुला ते बांदी उदे लुआब नू अल्लाह शैद बना देंदा है ओ पैगंबर दा घराना वेखना होवी पैगंबर दी जमात वेखनी होवी गंदी मक्खी बन के तारीख दियां वरकियां दे नेड़े ना जावी शैदी मक्खी बन के कुरान दियां ऐतां कोलो उहनां दी शान वेख ले अल्लाहु अकबर जदों ये दोनों जरनैल गए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी महफिल पाक सोने ने वेख्या मुस्कराए मेरे नबी ने फरमाया अज खैर ना लायो जाने सैयदा दा रिश्ता मंगण आया कहंदे वास्ते अल्लाह हो अकबर जाने हैदर करार वास्ते रिश्ता मंगण आया है ओ नौजवानों तारीख तेनू अखेसी ए लड़दे आन ए फकीरा दा कुरान कोलो पुछदे आए ए लड़दे आन या आपस विच इन्हां दी गहरी यारी आई अल्लाह दा कुरान के फरमैंदा है अल्लाह हो अकबर अल्लाह फरमैंदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سورة الحجرات سورة الفتح دی آخری آیت کریمہ 26واں پارا اللہ فرماندا ہے میرے نبی دی جڑی جماعت آیا اے کافراں واسطے ننگی تلواراں نہیں آپس وچ کھنڈ تے کھیراں نہیں جویں دودھ والے گلاس وچ چینی شہد شکر مکس ہو جائے جدا نہیں ہو سکدا ایویں نبی دے گھرانے تے پیغمبر دی جماعت دا دل میں جوڑ دتا सारी कैनात बदल सकती है पर उन्हां दे दिलां नूं कोई जुदा नहीं कर सकदा आके सोनिया रिश्ता लैवण आया हैदर करार वास्ते लैवण आया है सुभान अल्लाह मेरे नबी लाजा खामोश हो गए ये खामोशी का मतलब आई ओदे तार मिल गई जड़ा शारग तो ज्यादा करीब रहा थोड़ी देर गुजरी मेरे नबी फरमाया तुन मुबारक होवे अरश वाले इजाजत दे दीती वत अल्लाह दा कुरान फरमाता मा को अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुहा इस नबी नो आम न समझिया कर ए खासुल खास या ए अपनी मर्जी नाल नहीं बोलदा हुंदा अरश वाला आदा ते तां ज़बानो हिलेंदा रहे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बज़कौला कि वंजो जा के हैदर करार नु बुला के लै आओ अरश वाले इजाजत दे दी
हुण बड़ी दिलचस्प गल आ गई, जरा ज़ेहन हाजिर रखे आए। हजरत अली करम अल्लाह वजह नूं बुलाया जांदा है, अल्लाह दे सोहणे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के सवाल कीता है, आखिर बेटी देनी आई, आखिर दिल दा टुकड़ा देना। मेरे नबी नूं चंगी तरह पता आ जो हजरत जी दा जाती मकान भी नहीं किराए दा मकान है। इको सवाल कीता है, ए अली हक मार दे पैसे हिन के कोई ना, मेरा नबी रिश्ता करेंदा प्या न कोठियां वे के न जायदादा वे के न कोई रकबे वे के न कोई फैक्ट्रियां वे के। अल्लाह दा कुरान फरमैंदा अल अखिल्ला हो यौम इज़ बाज़ुहुम लिबादिल अदुवल इल्लल मुत्तकीन। एक कितनियां भी रिश्तेदारियां तो दोस्तियां नहीं, माशर नो एक दूए दा गरेबान फदी खलोते हो सन, जेड़े दीन दी वजह तो रिश्तेदारियां हो सन। दीन हमेशा रवण आला, दीन वालियां नू अल्लाह दुनिया ते भी इकट्ठा रखेंदा है, तो कल जन्नत विच इकट्ठियां कोठियां ता कर। मेरे नबी ने जड़ा रिश्ता कीता, वेख्या अली भी कुरान दा कारी, सैयदा भी कुरान दी कारिया, अली भी तकवे वाला, मेरी बेटी भी तकवे वाली, अली भी अजमत वाला, सैयदा भी अजमत वाली, अली भी हयावा वाला, मेरी बेटी भी हयावा वाली। आका ने फरमाया हक मार दे पैसे हिन तो मैं निका पढ़ावन वास्ते तैयार हाँ। ये मसला पल्ले बन लेवी, हक मार औरत नूं देना ते उहदी मलकीयत विच देना जरूरी है। इंज नहीं जो अपनी जेब विच रख के आखे चल अदा हो गया, इस तो बगैर गुजारा चलदा हुंदा ते सोहणा कदां वी गल न करिया। आका फरमाया हक मार दे पैसे हिल, हैदर करार फरमाया जी पैसे तो कोई नहीं, एक घोड़ा है जिस ते चढ़ के मैदान जिहाद च वेंदा रह जांदा, एक तलवार है जिहड़ी काफरां दे मुकाबले विच चलेंदा रह जांदा, एक ज़िरा है जंगी लिबास है जिहड़ा पा के मैदान च जांदा रहंदा। मेरे नबी ने फरमाया हैदर करार तू घोड़े ते चढ़ के आंदा पिया होवें डाडा सोहना लगदा है, घोड़ा भी कोल रख तलवार भी कोल रख, ए ज़िरा जिहड़ा जंगी लिबास है ए मदीने दे बाजार च वेचिया, हक मार दे पैसे च देवी ते मैं सैयदा नाल तेरा निकाह पढ़ा दे। अल्लाह अकबर, बड़ी अजीब गल है। अगे हजरत अली मदीने दे बाजार ज़िरा दा ऐलान च कीता है, इस तो पहले इतने पैसों दी ज़िरा पूरे मदीने विच कदां भी विकी नहीं है। जदों मेरे पीर ने ऐलान कीता है ज़िरा वेचनी है, दुनिया इकट्ठी हो गई, हर कोई कहिंदा है मैं ज़िरा लेवनी है, मैं ज़िरा लेवनी है। सज्जे बणे वेख्या है एक जवान है, ये कुरान है दोहरा दामाद मुस्तफा है। हजरत उस्मान तड़प के आ दिन सुनिया ओ हैदर करार ए ज़िरा मैं लेवन वास्ते तैयार हाँ, अगर मेरे तो ज्यादा कोई पैसे देवे बेशक ज़िरा दे देवे आए, लेकिन मैं उस्मान दा ए दावा है कि मेरे तो ज्यादा पैसे इस ज़िरा दे तुहानूं कोई भी दे सकदा नहीं है। हत्ता के हैदर करार कोलो पैसे पूछे जांदे, मेरे पीर ने परेट दसिया है इतने पैसों की ज़िरा मैं वेचना चाहता। उस्मान तड़प गया है, आदा ज़िरा एडी शान वाली पैसे थोड़े क्यों मंगदे हो, तुसी मंगदे जाओ उस्मान देंदा जा।
तुसी मंगदे जाओ उस्मान देंदा जासी हत्ता के रोजड़ियां जिरा दियां कड़ियां शुमार कीतियां जांदियां 480 कड़ियां बणियां हजरत उस्मान ने 480 दिरहम चा के दे दिते हजरत अली कोलो जिरा खरीद लईए दुनिया हैरान हो गई इस तो पहले जिरा दा इतना रेट नहीं लगा जेड़ा आज हजरत उस्मान ने हैदर करार दी जिरा दा रेट ला दिता है जिरा खरीदन तो बाद हजरत उस्मान ने पुछया जिरा क्यों वेची ने जने मेरी शादी हो मना लिए किथे शादी पे करें दे ओ जने आका दी शहजादी नाल हजरत उस्मान ने सीने नाल ला के फरमाया ओ सज्जन सज्जना नो तोहफे देंदे रांदे ओ वीर अली जिरा भी तेरी हो गई ते अकमार दे पैसे मैं उस्मान दी तरफो बड़ी तवज्जो चाहता जिंदगी दा नहीं पता इंदा मुलाकात होवे ना होवे अहले बैत नाल जेड़ा मुहब्बत नहीं करदा वल्ला उसनू जन्नत दी हवा भी नहीं लग सकदी ओ बैतुल्ला दे साए च मर जावे रहमत नहीं आ सकदी तैनू अपना घराना प्यार है नबी दे घराने तो वड्डा घराना अल्लाह बनाया कोई नहीं नबी दे खानदान तो वड्डा खानदान अल्लाह बनाया कोई नहीं नबी दियां बीबियां तो वड्डियां बीबियां अल्लाह बनाइया कोई नहीं नबी दियां बेटियां तो वड्डियां बेटियां किसी दियां अल्लाह बनाइया कोई नहीं मरदा मर जावी ना नबी दा घराना छोड़ी ना नबी दी जमात छोड़ी घराने दा भी एतराम करदा रवी पैगंबर दे दोस्तां ते नौकरां दा भी एतराम करदा रवी हत्ता के बड़िया बड़िया शादियां तो भुगताइया होवणियां बड़िया बड़िया तकरीबां विच उसे वल्ला मैं ऐसी शादी ना सुनिए ना पढ़िए ना किदाई वेखिए ए ओ शादी पई होंदी ए इजाजत देवन वाला रहमान है इजाजत देवन वाला रहमान जैंदी बेटी दी शादी है ओ नबियां दा सुल्तान है जिड़ा दूल्हा बन के आवण वाला है ओ पीर अली करिए कुरान जिड़ी सैयदा दुल्हन पई बनदी है ओ जनती औरतां दी सरदार है जिड़ा हक मार दे पैसे देवन वाला है ओ सखी उस्मान है जेड़ा हक मार दे पैसे देवण लै सखी उस्मान है अज मसला के बन गया है लमा फिकरी है सुन्नियत अपना मसला की नहीं समझ सकी तां परेशान वधीए अगर सुन्नी अपना मसलक समझ लव्या खुदा दी कसम है कुरान और सुन्नत वड्डा मसलक तो है कोई ना सहाबा अहले बैत दी जमाईयत तो वड्डा मसलक है कोई ना आ तवज्जो नाल जरा जुमला सुन हां थरे सुभान अल्लाह चाखी इजाजत देवन वाला रहमान जैदी शादी है ओ नबियां दा सुल्तान जेड़ा हक मार दे पैसे देवन वाला सखी उस्मान जेड़ा दूल्हा बन के आवण वाला ओ फाते खैबर ओ यजदान जेड़ी दुल्हन है ओ कुरान दी कारिया ते जंती औरतां दी मेहमान ता सरदार अगली गल रह गई है जदों निकाह होवन लगदा है उस्ताद जी याद है दूल्हा आ गया है हकमार कितना है जी इतना है अच्छा यार एक गल रहंदी पई है शादी दे विच गवाह दी लोड़ होंदी है ते जिहड़े धीआं ले बैठे हो जिहड़े बेटियां ले बैठे हो इस गल दी गवाही देवे आए हमेशा वालिद अपनी बेटी दी शादी दे मौके ते गवाह ओ चुनदा है जिस ते मुकम्मल एतमाद होंदा है जिस ते मुकम्मल एतमाद होंदा है जेड़ा इत्थे नहीं बोलदा मैनू शक पवणा जरौले वाली गल है इत्थे बोल तां कि तेरा मेरा लिखिया जाए फरिश्ते नोट करन गवाही अल्लाहो अकबर अज शादियां होवन चौधरी सलीम सै अज गवाह बणदे आए चुन के बणदे आए एतमाद आले बणदे आए ए फकीरा दे तहकीक कर रिसर्च कर ओ नौजवान ए हैदर करार दी शादी ते गवाह कौन मेरे नबी ने फरमाया अली उवा बंदे बुला के ले आ जेड़ा रिश्ता मंगना आ
उवा जवान बुला के लिया जेड़ा रिश्ता मंगण आया बड़ी मजरत नाल अटैक दा मिजाज नहीं किसी दी पगड़ी उछालन दा मिजाज नहीं सिर्फ दस्तक देवन दा मिजाज है पैगामे हक पहुंचावन दा अंदाज है अल्लाह दी रजा वास्ते रब्बे मुहम्मद दी कसम या जेड़ा दे अबू बकर को मैं मोमिन नहीं मंदा जेड़ा दे मैं उमर नू मोमिन नहीं मंदा जरा सोच तो सही जहदी शादी दे गवाही मोमिन न होवन उदी शादी किवें साबित होंदी है उदी औलाद किवें साबित होंदी है ये हमला किथे वांझोंदा है वा सुनिया जा अकीदा बना पल्ले बन ले आमना दे लाल दी बेटी दे शादी दे गवाह अबू बकरो उमर हाल ते वा समझ आई सारी जमात आला है पर मेरे नबी ने बेटी दे गवाह ओ चुने जेड़ी सारी जमात विचो आला है पता नहीं समझ आई है कि कोई ना को नहीं आई मुड़ मिल के को सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर अज बेटियां बहन की शादी हो गवाह चुन के लै आंदे उस मौलाना साहब साहब भाई जका साहब आया यार तुसी गवाह बनना एतमाद वाले बंदे हो ते सोने दी बेटी दी शादी है आखे अबू बकरो उमर नू बुलाओ ना मेरी बेटी दी शादी दे गवाह इयाओ सन अल्लाह बड़ी बड़ी तवज्जो चाह थकतने के यार भाई दस मिनट सुना दे मो एक बार मिल गया को सुभान अल्लाह थकन थकन बोलन आसिफ साहब थकन नहीं देने आदन बस सारी रात ओ जट जा बंदा ना मैं खुद जट जा मौलवी हाँ तो वह शौक चढ़ गया मैं बच्चे नू आलिम बढ़ावना अच्छा शौक है चलो पढ़ सी दीन फैले सी वो साढ़े ये फनून जड़े पढ़ाए जाते हैं ये मंतिक भी पढ़ाई जाती मंतिक ये मुख्तलिफ उलमा जानते हैं कितने फवायदे वो जो वापसी से गया तो वाले साहब जिमीदारा करें आई सर्दियों की रात आई ओ रजाई करके ते पुराना दौर आई खूह दे उत्ते दांद बैल जोए होया ते ओ खूह चलदा पिया दांद फिरदा पिया पानी लग गया बच्चे पुछे अब्बा जी ये रजाई सर्दी कीती पयो ते नाल ओ हुक्का वी वत असीं जट रखदे आ ना भाई वी जरा मेहमान शमान आंदे ने ओ किसी आख्या बा चाचा हुक्का जो रखी बैठा दा जिक्र ही कर लिया कर उस आख्या बचड़ा जदों असीं सूटा मारीए ना साडा हुक्का ही रब 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 करे दा रहा अल्लाह सदके जावा तमाकू कौड़ा होना चाहिए थे मसले कौड़े न करी मौलवी अब तमाकू कौड़ा होना चाहिए अल्लाह पर चलो आज थोड़ी मनंदा बैठा मुड़ कद सही अच्छा खैर वो पुछया छोर पड़ गया उस अगर अब्बा जी एक गल समझ नहीं आई भाई ये जेड़ा दान दे गल च घंटी पाई हुई ने इहदा की मतलब है उस अगर मेरा पुत्र जो मैं सम वजा ना तो पासा परता तो रजाई चो सिर कढ़ा तो दान चलता वधाउंदा है तो घंटी की आवाज़ आती तो मैं पता खेतों नू पानी लगता पे वो छोरा दे अब्बा ये अगर दांद हिक जाते खलो के सिर मारी रखे घंटी तो बोड़ी वगदी राड़ी वो सका मेरा पुत्र मंतिक तू पढ़ी हुई है मेरे दांद तक आई नहीं पढ़ी अल्लाह अकबर और गल ए बदीन सिर्फ मौलविया तो नहीं थोड़ा भी सा जाए ये रल मिल के चलो शायद तक बढ़ना है हूँ सिर्फ मौलवी घंटी ना बदी रखन बनारे मारी रखन तुम चुप रहो बख्शे बख्शाया ये नहीं एक बार सारे गज क्या कुछ बार अल्लाह अच्छा जनाब जरा तवज्जो चाहना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदो निकाह पढ़ाया वत फरमाया मेरे पीर अली करम अल्लाह वजानो तुसी चले जाओ ते मैं सैयद अमानत तुहाडी पहुंचा देसा एक मौके ते मेरा पाक पैगंबर मदीने शरीफ दे बाजार च तशरीफ लै गया कुछ पैसे आया हदीयतन मेरे नबी साई ने मदीने दे बाजार विचों एक जोड़ा खरीदया है सईदा वास्ते एक कम तमावा करें दियां लेकिन सईदा खतीजतुल कुबरा दा इंतकाल हो गया मेरा नबी अपनी शहजादी वास्ते खुद जोड़ा खरीद के ले आया आके सईदा नू दिता है ए मेरे दिल दा टुकड़ा
मैं तेनू वेदा वन्या मैनू तेरी अम्मी खतीजतुल कुबरा दिया वफावां याद आ जांदे मेरी शहजादी मैं तेरे वास्ते नवा जोड़ा लैके आया डॉक्टर साहब तवजो सैयदा ने जोड़ा नवा सीने नाल चलाया है संभाल के रखिया है एक दिन इंजो है मेरा नबी बहर गए वद्यान दीन दियां गल्ला सुनावण वास्ते पिछों एक साहिल आ गया है मंगण वाला आ गया है अल्लाह दे नां दा सवाली आ गया है अल्लाह दे रसूल दा घराना मेरी बेटी जवान हो गई मेरे विच हिम्मत नहीं जो मैं नवा जोड़ा पवा सका अल्लाह दे नां दा सवाल है मैनू जोड़ा तां इक दिओ आचा सैयदा फरमाईंदियां मेरे दिल दिमाग च आया कि नवा जोड़ा आप पा लेंदियां जिहड़ा पैबंद लगोया जोड़ा ये साहिल नूं दे देंदियां ताकि उस बेटी की इज्जत भी महफूज रह जाए लेकिन नबी साईं दी बेटी आई ना जिसनूं लोरियां देंदी मेरी नबी कुरान पढ़दा जिसनों लोरियां देंदी मेरी नबी कुरान पढ़दा सैयदा कहंदियां अल्लाह दा कुरान गज वज के मेरे सामने आ गया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून ओ ईमान दे दावेदारों उस वक्त तक तुसी कामिल ईमान वाले नहीं बन सकते जदों तक अपनी मन पसंदियां शैयां मेरे राह दे विच खर्च न करे सो जिस वक्त मन पसंदियां शैयां मेरे राह विच खर्च करें दे वैसो मैं अल्लाह तुहाडे ईमान विच भी बरकत पा देसा तो माल विच भी बरकत पा देसा वेखो वालिद सखी होवे औलाद ते भी सखावत दे असरातों दिल मेरा नबी आप सखियां दा सरदार आई नबी दा घराना भी सखियां दा सरदार है सैयदा ने के कीता है अपना नवा शादी आला जोड़ा चा के साहिल नूं दे दिता है वंज मुसलमान बेटी नूं पवा दे फातिमा तो ज़ारा या पैबंद लगे हुए कपड़े पा के रुखसत हो जासी अपने अल्लाह नाल सौदा करना चाहती है बड़ा आला अमल है सैयदा दा वत रुखसती दा वक्त आया ना मेरा नबी इंतजार विच आई जो मेरी बेटी ने शादी आला जोड़ा नहीं पाया हत्ता के मेरा पैगंबर सवाल करेंदा है ओ मेरे दिल दा टुकड़ा फातिमा तो ज़हरा आखो चरदी अल्लाह ताला अना ओ जड़ा मैं जोड़ा तेरे वास्ते आंदा ओ पाया क्यों ने वे अगो सैयदा दियां बाबा जाना अल्लाह दे अकाउंट जमा करा दिता है अल्लाह दे राह ते सदका कर दिता है मेरे नबी दे चेहरे ते मुस्कराहट आ गई है वखरे बह के रोंदे बैठे हैं जो फिलहाल पैसे भी नहीं हैं नवा जोड़ा कदों मंगाइए जे कम अल्लाह दी रजा वास्ते कीता होवे अल्लाह बंदे नूं मायूस नहीं हो मन देंदा ए उसे दा एलान नहीं हल जज़ा उल एहसान इल्ल एहसान फब अये आला ए रब्बे को मा तो कज़िबा कीती गया कर कोई अच्छा बदला तेनू देवे न देवे मैं अरश वाला तेनू जन्नत विच सोने बदले अता कर सैयदा ने नवा जोड़ा दे दिता है हुण तवज्जो चाहदा अचानक जदों सोहना रोंदा बैठा आई ना अल्लाहु अकबर आम मोमिन भी रो पवे ते अल्लाह उहदे आंसुआं दी बड़ी कदर करेंदा हुंदा है ए तां नबियां दे सरदार दे आंसू पै गिरदियां आखो चा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा मुहब्बत नाल आखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद शरीफ
ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖ ਜਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਰੋਂਦਾ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਜੋੜਾ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜਿਬਰਾਈਲ रबे जलील वाजना सैयदा ने मेरे नाल सौदा कीता अगर इस मौके ते मैं इनाम न देवा ते होर कह देवना वांजो जिब्राईल पिंडी भटियां वालिया नू वांज के भी पता सदे अफजाबाद वालिया नू भी पता लग जाए जंग वालिया ते सारी कैनात वालिया नू पता लग जाए जेड़ा अमल अल्लाह दी रजा वास्ते कीता जाए अल्लाह ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ ਆਵਣ ਦਿੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾਜੋ ਜਬਰਾਈਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਮੋਮਿਨ ਮਰਦੋ ਔਰਤ ਇਹ ਜੰਨਤ ਚ ਆਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਲਿਬਾਸ ਪਵੇ ਸਾਂ ਸੈਯਦਾ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਜੋੜਾ ਭਿਜਵਾ ਦੇ अल्लाहु अकबर जिब्राईल ने अमीन आया आके आदा सुनया अपनी शहजादी नू दसो तुहाडा रब तुहानू सलाम पिया देंदा है उस अमल दे बदले अल्लाह ने जन्नत विचो तुहाडे वास्ते रेशमी जोड़ा भिजवा दिता है सैयदा जोड़ा पा के बैठियां मदीने विच रवण वाले यहूदियां दियां बीबियां आ गईयां आपस च चीमे गोईयां करें दियां वदियां वंज के वेदियां ताए आमना दे लाल दी बेटी दी शादी है चार चार दिन तक चुल्ले विच अग नहीं जल्दी वेखिए तो सही बेटी दी शादी किवें करें देन आके जदों आईयां खामियां तलाश करन वास्ते लेकिन जदों सैयदां नूं वेदियां तां वेदियां रह गईयां आदियां सैयदा इंज दा सोहना लिबास पावना ते दूर दी गल असी कदा वेखिया भी नहीं असी वड्डे वड्डे सरदारां दियां घर वालियां कदी मिसर चो कपड़े आंदे न ते कदी मुल्के शाम चो जोड़े आंदे न इह किहड़े बाजार चो लिया ने किहड़ा सोहना जोड़ा है ते किहड़ियां सोहणियां खुशबूआं पईआं आंदियां सैयदा दे आंसू गिरन लग पै आईयां तां खामियां तलाश करा ना तुहानूं पता नहीं है मेरे बाबे दे बारे अल्लाह के फरमाया मा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमी ज़रा जाके जाके आखिरी पांच दस मिनट बड़ी तवज्जो नाल तब दुआ करावना चाहना ज़रा जाके आखो सुभान अल्लाह सैयदा कहदियां सैयदा कहदियां आईयां तां खामियां तलाश करन आओ पर तुहानूं पता नहीं है मैं कहंदी बेटियां मैं उन्हां दी बेटियां ओ चलदे वधियां ना ते अल्लाह फरमांदा ला قسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اللہ شہر مکہ دی قسم چانا شروع کر دے دا تانوں پتہ نہیں میں کہندی بیٹیاں او چہرے تو زلفا ہٹاوے تے اللہ فرماوے والضحا واللیل اذا سجا इतना सत रंग वाला सूरज मैं सोहना नहीं बनाया जितना कुरान सुनावन वाले अपने सज्जन दा चेहरा मैं अल्लाह ने सोहना बनाया आईयां आओ खामियां तलाश करन भाई सईद सैयदा फरमेंदियां वेखो ना तुहानूं पता नहीं मैं कहंदी बेटियां ओ चलदे वधे होवां ना अल्लाह करीम उत्तो फरमैंदा ला अमरुका ओ जिन
जिंद जीवी ते खुशियां माने मेरा पाक पैगंबर जिथे पैर होवी उथई खैर होवी तुहानू पता नहीं मैं कहिंदी बेटियां ओ तन्हाइयां विच बह के जदों आंदे हन या रब अरश वाला कहिंदा है वकीले या रब मैनू तेरे होंठ हलावण दी कसम है मेरा पाक पैगंबर मेरा नबी वेहदा ते अल्लाह दा माज़ा गल बसर ए अखां जोई वेदियां हक वेदियां ता सच वेदियां इहदे चेहरे ते पसीना वे कुरान सुणे दी वेरी अल्लाह फरमावे या अयो नबीयो इन्ना अरसलनाका शाहिदल व मुबशिरल व नज़ीरा व दाइयल इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजं मुनीरा तुहानू पता नहीं है जो मेरे बाबा जान अल्लाह ने चौदहवीं दे चन्न नालों भी ज्यादा हसीनो जमील बनाया है वत क्यों ना आखां के सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है सोचती है दिल में दुनिया मुस्तफा को देख कर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर सैयदादियां तुसी आईयां आओ खामियां तलाश करन पर तुहानू पता नहीं है मैं कहिंदी बेटियां मेरे बाबे दे बारे अल्लाह फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबी वकानल्लाह बेकुल शैइन अलीमा अल्लाह ने मेरे बाबे नो सिर्फ नबी बना के नहीं भेजा बल्कि सवा लख नबियां दा भी इमाम बना के भेजा अल्लाह सुभान अल्लाह जैसे मैं तो बस ना करूँ अच्छा माशा माशाल्लाह का मतलब है बदाम में ढोर ला दे तुसी थके तो नहीं बैठे यादन बकर बला तक वजना है ओ नव नवे खती बड़े तो उस पैगंबर की हिजरत का मसला सुनाया तो उठनी उत्ते बाया तो इंज गए तो इंज गए तो इंज गए तो इंज गए पूरा जुम्मा इसे ते ला दिता घंटा पूरा बाद सदिया पूछे उस्ताद जी उठड़ी आई मदीने में सुर आया इंज आए तो बह गए उस नबी की उठड़ी आई कोई सुर नाल वावड़ी आई और करबला तक वजना तो झट एक मुड़ भवना पोसी जी थके बैठे हो तो मैं बस चकर मुड़ लगे जाऊँ करबला है है पक्के बैठो सारे हाथ खड़ा करो माशाल्लाह जो थके बैठे एक बार सारे मिलकर को सुभान अल्लाह अच्छा जज़ाक अल्लाह खैर थोड़ी तवज्जो चाहता अल्लाह अल्लाह लेकिन एक गल जहन च रख पैगंबर दे घराने दा आशिक बन वा मरदा मर वंज पैगंबर दे घराने नू छोड़ी नहीं जिवें तेनू अपना घराना ते उहदी इज्जत प्यारी है उस नालों कई गुना ज्यादा सारी कैनात दे घरानियां नू नबी दे घराने ते कुर्बान कर दे लेकिन डंडी न मारी घराने नाल भी मुहब्बत रखी तो उन्हां दे शागिरदां नाल ही मुहब्बत समझ आती भी कि उन्होंने जमात नाल भी मुहब्बत करते उन्होंने घराने इंशाअल्लाह अल्लाह बेड़ा पार कर दे अल्लाह अकबर थोड़े जगह चलिए ना एक बार मिल के को सुभान अल्लाह राणा दा वे मौलवी जान नहीं छोड़ेगा बंद करे तो तू बंद ही कर तो मैं शुरू रस ये गल दे रहे रख अल्लाह तेरे मदीने लै जा राणा खोल दे जेड़ा मेरे सारे सामी ना जंग आए सारे राणे है तो मैं राणे समझो अद्धा राणा मैं भी पढ़े हुआ अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह एक बार सारे मिल के को यार सुभान अल्लाह अच्छा खैर सुनो जदों सैयदा ने
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਵਧੀਆਂ ਆਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਗਰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮਕਾਮ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਜੋ ਜੋੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਮਕਾਮ। ਆਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਈਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੀਨੀ ਵੀ ਦੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਦੇ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦੀ, ਪਰ ਇੰਜ ਪਰਦਾ ਕਰਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਇੰਜ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਕਰਾ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ। ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਇਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਫਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੇਟੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਖਤੀਜਾ ਅਤੇ ਐਸ਼ਾ ਸਿਦੀਕਾ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੇਟੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਂਦਾ ਯਾ ਅਯੋ ਨਬੀਓ ਕੁੱਲੇ ਅਜ਼ਵਾਜਿਕਾ ਬਾਬਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰਾਨੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਝੂਠੀ ਨਾਰੇ ਨਾ ਮਰਿਆ ਏ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜੋ ਨਬੀ ਦੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਨੌਕਰ ਆਉਂਦੇ ਪੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇੰਜੇ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਪਰਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣਨ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਦਿਲ ਚ ਬਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਬੇਟੀ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੋ, ਉਸਤੇ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆਖੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵਧ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਜਾਂਦੀ ਏ ਨਾ, ਅਗਰ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਮਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬੁਰਕਾ ਪਾਵਣਾ, ਚਾਦਰ ਕਰਨਾ, ਚਿਹਰਾ ਢਾਪਣਾ, ਜਿਸਮ ਢਾਪਣਾ, ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਸਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਪਰਦਾ ਚ ਕਰਦੀ ਏ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੱਠੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਐਸੀ ਇਮਾਨ ਵਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤਿਕਬਾਲ ਕਰਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਪਰਦਾ ਕਰਿੰਦੀ ਏ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਰਫਿਊਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਐਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਮਰਦ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਜਾਏ ਤੇ ਘਰ ਚੋਂ ਬੇਪਰਦਾ ਨਿਕਲ ਪਵਾਂ, ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਈਆ ਜ਼ਾਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਾਨੀਆ ਸ਼ੁਮਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਆਵੇ, ਵੱਧ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਾਵਤ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਘਰਾਨੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਦਾ ਕਰਨ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੁਖਸਤੀ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਰਹਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਰੁਖਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਈਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾਵਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜਾਨ, ਜਾਣੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਨਾ ਛੋੜੀ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਛੋੜੀ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਨਾ ਛੋੜੀ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਛੋੜੀ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਜ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਰ ਵਾਲਿਦ ਅਗਰ ਇਹ ਸਬਕ ਚ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਘਰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬਾਗ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਆਵਣ, ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਰਵਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜਨ, ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਪੜਨ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਘਰ ਜਿਵੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੈ, ਰਵਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬਾਗ ਬਣਾ ਦੇ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਈਦਾ
कुरान भी ना छोड़ी, नमाज भी ना छोड़ी, वत सैयदा ने भी कमाल कर दिती है, दिन नू रोजा रखेंदी है, हाथ अली चक्की चलेंदी है, आटा पिसेंदी है, रात नू मुसल्ला बिछा के नफलां च कुरान पढ़न लग पौंदी है, रात नू नफलां विच कुरान पढ़न लग पौंदी है। सुनी बड़ी तवज्जो नाल, अज शिकवा करेंदा है मेरी औलाद मेरी खिदमत नहीं करेंदी। हाँ हाँ जरा तवज्जो कर, उसनू दीन अलियां महफलां च लै के आया कर, अगर वालदैन जिंदा नहीं उन्हां दी खिदमत कीता कर, अल्लाह तेरी औलाद नू तेरा नौकर बना दे सिया। जे तू अपने वालदैन की तोहीन करे से, तेरी औलाद उस नालों वध के तेरी तोहीन करे सी। आधे ना जो गड़े दे आए उवा चावना आउंदा है, ए बिल्कुल हकीकत है या ए गल भी हके। अगर वालिद कुरान दा कारी है, अगर वालदा तहज्जुद गुजारे, अगर मां रो रो के अल्लाह नाल गल्लां करन वाली होवे, अगर वालिद हैदर करार जैसा होवे, अगर वालदा सैयदा फातिमा तो ज़हरा जैसी होवे, अल्लाह बेटे नहीं देंदा, जरनैल पैदा करे। अल्लाह सिर्फ बेटे नहीं देंदा, अल्लाह वक्त दे इमाम पैदा कर देंदा है, जरनैल पैदा कर देंदा है। वालदैन दी जिंदगी दा बड़ा मल दखल है या। इत्थे रोक के गल सुनावना चाहता नौजवानों वास्ते, अपने आप नूं पाक रखिया कर, किसी दी इज्जत ते हमला न कीता कर, अखां नूं झुका के रखिया कर। अल्लाह तेरी चार दीवारी दी हिफाजत फरिश्तें दे जरिए आप करेंदा रह जासिया। शेख अब्दुल कादिर लानी रहमतुल्लाह ताला ले, अल्लाह दा वली है, उदे पिछे उदियां मावां दियां दुआएं, उदी मां दी तरबियत दे असरात, मां इक्को गल समझाई आई, बेटा झूठ नहीं बोलना, अल्लाह नाराज हो जांदा है। मशहूर वाकया है, डाकुआ ने काफला घेर लिया है, माल ले लिया है, अब्दुल कादिर जिलानी गिरफ्तार हो जांदे हैं, डाकू चेक करें दिन पैसे मिलते नहीं, लेकिन मेरा पीर आंदा है मेरे को पैसे हैं। डाकुआ दे सरदार कोल बच्चे नू लाया जांदा है, ए बच्चा आंदा है मेरे कोल पैसे हैं, सानू मिलदे नहीं पए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी नू डाकुआ दा सरदार आंदा है, बेटा सानू वेख के लोग पैसे लुका लैंदे, तू क्यों आंदा है मेरे कोल हैं। अगो शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमांदे, पैसे वाती मिल वैसन, अम्मी जी दस आई, झूठ नहीं बोलना, रब नारा जदों मावा इंज तरबियत करन, जदों मावा ऐसियां गुटियां लावन, जदों मावा इंज इसलाह करन, वत बेटे वक्त दे वली त इमाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी बनवेंदे। डाकुआं दा सरदार ते कप कपी तारी हो गई, आखे छोटा बच्चा हो के अल्लाह कोलो एडा डरदा है, असी क्यों ना डरदे। समान वापस कीता है, सच्चे दिल नाल कलमा पढ़िया, जिंदगी बदल लईए। ओ मावा तहज गुजारों बेटे अनायतुल्ला शाह बुखारी जैसे पैदा होंदे, मावा अल्लाह को रोवण वाल बेटे अताउल्ला शाह बुखारी जैसे पैदा होंदे, मावा फातिमा तो ज़हरा जैसियां वाल, अल्लाह बेटे हसन हुसैन जैसे अता करे। पहला साल गुजरिया है, अल्लाह बेटा दिता है, मेरे नबी तशरीफ लै गए, वंज के अदान ही पढ़िए, गुट्टी भी लाइए, ना भी रखे है। दूसरे साल वत खुशखबरी मिलिए, नवासा पैदा होया है, मेरा नबी फिर तशरीफ लै गए, मेरे नबी ने अदान ही पढ़िए, गुट्टी भी लाइए, मेरे नबी ने ना भी रखे है, हुसैन मेरे पीरां दा ना भी मेरे नबी ने रखे है। बड़ी तवज्जो चाहता, जिन्होंने वेख्या हाई ना मेरे नबी नू, ओ दसे दिन कि हसन सर तो लैके सीने तक अपने नाना जी दी तस्वीर है, हुसैन सीने तो लैके पैरां तक अपने नाना दी तस्वीर। और एक दफा मेरा नबी मिंबर ते तशरीफ फरमा,
सुरख धारीदार लिबास पाए होया शहजादे मस्जिद नबी च आ गए। चल दिन त बह जाते, चल दिन त रुक जाते, मेरा नबी चाव्या तो किसी नू आख सकदा ही, मेरे नवासे नू चा के लै आओ। मेरे नबी मिंबर छोड़ देता है, मेरे नबी ने वंज के शहजादिया नू चा के झोली विच बहाया, और मेरे नबी चुमया भी है सुंघिया भी है। पुछण आलिया पुछया दरद समझ नहीं आई, असी भी बच्चिया नू चुमदे तां है सुंघदे ना है। मेरे नबी फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहाना यमिन दुनिया ओ कमा काल, ए हसनो हुसैन जन्नत दे फुल हान, अल्लाह मेरी झोली च पा दिते। जिवें नाने दे पसीने चो खुशबुआ आंदियां, इंजे नवासियां विचो भी खुशबू आ। जिस वक्त वालदैन दा तकवा इतना आला होंदा है, फिर अल्लाह बच्चे भी ऐसे अता करेंदा है। जदों मावां नफलां च कुरान पढ़ के अल्लाह को रोंदियां, फिर अल्लाह औलाद भी ऐसी अता करदा है। जिंदगी रही ते वत सही इंशाअल्लाह। ए जदों लम्हात आए ना, मेरा पीर जदों करबला तशरीफ लै गया है, आखिरी रात जिहड़ी गुजारी है पीर साहब ने करबला दे अंदर, उस मौके ते बुलावण वाले बागी ने जो इरादा बना लिया है मेरे पीर ते हमला करन दा, बहन ज़ैनब भी नाल वदियां, बहना परेशान हो वेंदियां भेरावां नूं मुश्किल हालात च वेख के। मेरा पीर घबराया नहीं, चेहरे ते मुस्कराहट है, मुसल्ला बिछा लिया है, नाने दा कुरान पढ़न लग पिया है, और अपनी हमशीरां नूं तसल्ली दे के फरमांदा है सिर सांग दी नौकत जद चढ़िया जद वीरन दा दिता बैन को खास पैगामे रब दे हवाले मेरी अमड़ी जाई अज हो गया साथ वीरान। उस आखरी लमात ज पीर साहब के फरमा रहे रब दे हवाले मेरी अमड़ी जाई अज हो गया साथ वीराने। जे याद आवी इस वीरन दी रखी याद नमाज कुराने, जे सबर करे से ता फल पैसे या नाने दा फरमान। सबर करे से ता फल पैसे या नाने दा फरमान। सियाणिया दिन उस कोलो पुछ जिदे सीने तो वाल पटी वे, उस नबी दा सारा खानदान दीन वास्ते कुर्बान होया खलोते ही, तू तो मैं चेहरे ते सुन्न सजावण नू तैयार ना होंदे, तू तो मैं नमाज पढ़न नू तैयार ना होंदे, तू तो मैं सोने दियां दावां अपनावण नू तैयार ना होंदे। आ आ अहले बैत दा भी नौकर बणवाए, नबी दे घर ने दा भी नौकर बनवाए, नबी दी जमात दा भी नौकर बनवाए, आमना दे लाल दा भी नौकर बनवाए, ते उदे सीने ते आवण वाले कुरान दा भी नौकर बनवाए। अल्लाह फरमांदा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ओ ईमान लियो, नबी दियां बीवियां भी शान आलियां, नबी दियां बेटियां भी शान आलियां, नबी दे नवासे भी शान आले, नबी दी जमात भी शान आली, नबी दा सारा खानदान शान आला। अल्लाह टुटे फुटे जुमले कबूल करे, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सुम्मा सल्ली अलैहि।
रबना ज़लमना अनफुसना वल्लम तगफिरलना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल हासिरीन। अल्लाह साडे सारे दे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। डॉक्टर साहब उन्होंने भाई जान उन्होंने वाले साहब वास्ते दुआ फरमाओ, अल्लाह शिफा अता करे। और दीगर जितने आबाब बीमार हैं अल्लाह सबनों शिफाए तामा अता करे। इस मरकज़ नू मजीद दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जितने आबाब ने भाई सफदर दीगर रफका मौलाना साहब भाई सईद अल्लाह सब की मेहनत काविश कबूल करे और सब दे मालो जान च बरकत अता फरमाए। बीमारा नू शिफाए तामा अता करे। सानू सारिया नू सही माने विच अहले बैत दा नौकर बनाए, सहाब दा सच्चा नौकर बनाए, आका दा नौकर बनाए, उन्होंने पूरे घराने दा नौकर बनाए। अल्लाह सानू अपनी सच्ची किताब की सही फहमो बसीरत अता फरमाए, उसते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सानू भी साडे अहलो अयाल नू भी सिराते मुस्तकीम ते चलाए और बिलखसूस नमाज दा पाबंद बना दे। अल्लाह साडे मुल्क मिल्लत दी हिफाजत फरमाए, पाक अफवाज दी हिफाजत फरमाए, मुल्क दी सरहदां दी हिफाजत फरमाए, मसाजिद व मदारिस तमाम उलमाए हक्का और उन्होंने चाहन वालों की हिफाजत फरमाए। सब दी जायज़ हाजात अल्लाह गैब च पूरी फरमाए। ये टुटे फुटे जुमले कबूल फरमा के अल्लाह तुहाडी मेरी निजात का सबब बनाए। अल्लाह इस पूरे इलाके ते रहमत दा नज़ूल फरमाए। जिन्हां दोस्तों ने जिस हवाले नाल इस प्रोग्राम में हिस्सा पाया अल्लाह उन्हां दी जवानियां विच मालो जान च मजीद बरकतां अता फरमाए। या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका नस्ताईस। रब्बना अग़फिरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्ब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस सलाम। हज़रात